8. ये साल था 30 मई 2007। बिहार के भगवनपुर थाने में फोन लगातार बजता जा रहा था। वहां मौजूद सभी पुलिस वाले अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। उनके लिए इस तरीके से फोन बजना कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस अधिकारी शत्रुघ्न कुमार अपने ही धुन में बैठे हुए थे और अपना जरूरी काम कर रहे थे। शत्रुघ्न कुमार ने अपने सभी सबॉर्डिनेट्स पर गुस्सा करते हुए फोन उठाया। तभी उन्हें सामने से एक आदमी की रोते हुए आवाज सुनाई दी। हेलो, हाँ बोलिए। साहब, हमारी 6 महीने की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार हैरान रह गए। उसने उस आदमी से उसका पता लिया और तुरंत ही अपनी सारी फोर्स लेकर वहां पहुंच गया। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि फोन कॉल के पीछे इतनी अजीब और खौफनाक बात छिपी हो सकती है। उस दिन की इन्वेस्टिगेशन में सीरियल किलिंग की सबसे अजीब और दिल दहला देने वाली मिस्टीरियस घटनाओं में से एक का पर्दाफाश होने जा रहा था। ये फोन कॉल बिहार के एक छोटे से गांव से आया था। गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि उन्होंने एक निर्दयी हत्यारे को पकड़ लिया है। उन्होंने पुलिस से आरोपी को पकड़ने के लिए गांव आने को कहा। पुलिस तुरंत ही गांव पहुंची। गांव वालों ने हत्यारे के रूप में अमरजीत सादा नाम के एक 8 साल के छोटे मासूम बच्चे को पुलिस को सौंप दिया था। तब जाकर दुनिया को सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के बारे में पता चला। यहां तक कि जब उसे थाने ले जाया गया तब भी वो बच्चा आंख से आंख मिलाकर पुलिस को घूर रहा था। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न अपने पुलिस थाने में गंभीर रूप से बैठे हुए थे। वहां मौजूद सभी लोग अमरदीप सादा को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। सभी की दिल की धड़कनें तेज हुई थी। तभी इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने अमरजीत को देखते हुए सवाल किया, क्या तुमने ही खुशबू को मारा है? इंस्पेक्टर शत्रुघ्न के सवाल के बाद भी वो बच्चा कुछ भी नहीं बोला। वो बस इंस्पेक्टर के सामने शांति से बैठा हुआ था। अमरजीत के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न ने दोबारा से उस बच्चे से वो सवाल पूछा और इस बार उस बच्चे की स्माइल बहुत बदल गई। उस बच्चे की स्माइल को देख के सारे पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। उसकी स्माइल में एक हैवानियत छुपी हुई थी। उस बच्चे ने इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, पहले हमें बिस्कुट दो, फिर हम तुमको बताएंगे हम क्या किए हैं। इस बच्चे के डिमांड्स को सुनने के बाद इंस्पेक्टर शत्रुघ्न का गुस्सा 7वें आसमान पे था। लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाया और अमरजीत से वापस पूछा, अब बताओ तुमने खुशबू को क्यों मारा? इस वक्त अमरजीत का पूरा ध्यान बिस्किट खाने में लगा हुआ था। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न के बार बार पूछने के बाद अमरजीत ने फाइनली गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने उसे ईंट से बार बार मारा और मार डाला। इस बात को सुन के इंस्पेक्टर शत्रुघ्न और बाकी पुलिस वालों के होश उड़ गए। मतलब एक 8 साल का बच्चा किस तरीके से इतने हीनियस क्राइम को कमिट कर सकता है। अब इस वक्त अमरजीत के हाथों में जो बिस्किट था वो खत्म हो गया और उसने सामने वाले इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ हम खुशबू को उठाए थे स्कूल के बाहर से, फिर साइड में लगे गए और कूट कूट के मारे। पूरी पुलिस टीम इस बच्चे के कन्फेशन को सुनने के बाद हैरान थी, हक्का बक्का थी। लेकिन इंस्पेक्टर शत्रुघ्न ने बच्चे की उम्र को देखते हुए अपने आप को कंट्रोल में रखा और बच्चे से पूछा, लेकिन तुमने उसे मारा क्यों? किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात तो नहीं होती? ये सुनते ही अमरजीत के चेहरे पे एक मिस्टीरियस सी स्माइल आई और इंस्पेक्टर शत्रुघ्न ने एक 8 साल के छोटे से बच्चे में एक कातिल को पाया। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न ने अमरजीत की स्माइल को समझते हुए दोबारा पूछा, तुम्हारी मुस्कान बता रही है तुम बहुत कुछ बताना चाहते हो, बताओ। ये सुनते ही अमरजीत बहुत खुश हो गया। जैसे कोई एक बच्चे को कोई उसकी मनचाही चीज मिल जाती है ना, तो वो कैसे खुश हो जाता है, वैसे ही अमरजीत खुश हो गया। अमरजीत के चेहरे पर वो हैवानियत साफ झलक रही थी। एक और बिस्कुट दो, तभी हम बताएंगे। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न उस बच्चे की दुष्टता को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट देते हुए अमरजीत से पूछा, अब बताओ हम खुशबू को ही नहीं और भी तो बच्चों को मारे हैं। ये सुनते ही पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न का गुस्सा तो एकदम चरम पर चला गया था, क्योंकि वो बच्चा एक नाबालिग था और एक 8 साल का बच्चा था,
तो इंस्पेक्टर शत्रुघ्न के हाथ बंधे हुए थे। अमरजीत सादा को अपने से कमजोर लोगों को प्रताड़ित करने में एक अलग ही सुकून मिलता था। क्या इस बच्चे अमरजीत का नेचर ही वैसा है या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू है? अमरजीत का जन्म 1998 में बेगूसराय जिले में हुआ था और उसके जो माता पिता थे वो मजदूरी करके पैसे कमाते थे और मुश्किल से गुजारा हो पाता था। तो जब अमरजीत 7 साल का था तो एक और बेटी उनके परिवार में जन्मी और अब अमरजीत के माता पिता को 4 लोगों का पालन पोषण करना था, जो कि और मुश्किल की बात थी। वैसे तो अमरजीत बहुत ही रिजर्व टाइप का लड़का था, गांव में घूमता था, पेड़ों पर चढ़ता था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था, वो हमेशा अकेला सा रहता। इस दौरान अमरजीत की मौसी अपने 6 महीने के बेटे को लेकर अमरजीत के घर आती है और क्योंकि अमरजीत की मौसी को किसी दूसरे शहर में जॉब लग गई थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसके बेटे का पालन पोषण अमरजीत की माँ करे। लेकिन किसे पता था कि अपने बेटे को सौंपने के बाद उन्हें वो दिन देखना पड़ेगा। अब हुआ यूं कि अमरजीत की मौसी तो चली जाती हैं और एक दिन अमरजीत की माँ सब्जी लेने के लिए बाहर जाती है। माँ दोनों बच्चों को अमरजीत के भरोसे छोड़कर जाती है, पर किसे पता था कि वो दूध की रखवाली एक बिल्ली के भरोसे छोड़कर जा रही है। अपनी माँ के जाते ही अमरजीत ने अपनी मौसी के 6 महीने के बच्चे को देखा, जो कि सुकून से सो रहा था, और अमरजीत के अंदर का शैतान जाग उठा।